फ्रेंड्स, अगर आपको अगर अपनी गाड़ी खड़ी करनी है आप यहाँ पर लगा सकते हो, फ्री फास्ट है, कोई चार्ज नहीं यहाँ पर। अपनी गाड़ी पार्किंग अच्छे से कर सकते हो, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, ट्रक पार्किंग मत बोल देना। यहाँ पर ये है कि गाड़ी वगैरह पार्क हो जाती है, टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हो गया मैं इसकी नई वीडियो में। आई होप आप सब सही होंगे और अच्छे होंगे। तो इस वक्त मैं ऋषिकेश में हूँ और पीछे मंदिर मिल रहा है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत ऋषिकेश से कर रहा हूँ। ऋषिकेश में मेरा एक छोटा सा काम भी था, तो सोचा काम निपटा लें और एक ब्लॉग तैयार कर लें। तो अभी टाइम हो रहा है ठीक 8 बज गए और मंदिरों में घंटियाँ बजने स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत ही प्यारा मस्त नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए व्यू पीछे का, यहाँ भी तैयारी हो चुकी है, लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं और मंदिर में आरती भी स्टार्ट हो चुकी है यार। तो देखिए यहाँ पर फूलों वगैरह की शॉप भी है। आई होप आप सबको अच्छी अच्छी वाइब्स भी आ रही होंगी और मुझे भी बहुत अच्छा अच्छा फील आ रहा है मतलब। और यहाँ पर टैटू शॉप भी है। किसी को गर्लफ्रेंड गुर्फ्रेंड कुछ लेना है, हम किसी और के लिए लेना है और उस पर ले सकते हैं। पूरे सारे नग वगैरह हैं। यहाँ पर छोटी सी मूर्ति है और उसका आई थिंक घाट भी कहते हैं। ये देखो जो आरती होती है और उसको वॉश करते हैं। अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, पर सार्वजनिक शौचालय भी। यहाँ पर इन्होंने पूछता भाई क्या रेट है भाई फूल का, अभी नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं, अभी तो काम है यार, अभी अभी छोटा सा काम भी रहूंगा। तो सुबह सुबह अगर आपको गंगा स्नान करना है, यहाँ भी सुबह को फूल बेचने वाले हैं, पानी लेने वाले हैं। मॉर्निंग में अगर आपको गंगा स्नान करना है हाँ तो आप जरूर कर सकते हैं। तो मैं आपको पानी के बिल्कुल नजदीक ले लेता हूँ बराबर। तो देखें लोग पानी भर रहे हैं, पानी भी इस वक्त बहुत साफ और ये क्लियर है। देखिए दूर दूर तक आपको पानी पड़ने जाएगा और पानी की बहुत ज़्यादा स्पीड वहाँ पर है। वहाँ पर जाने के लिए मुझे उधर से घूम के आना पड़ेगा यार। अभी 9 बज गए, अभी दुकानों की शॉप तो खुली नहीं है, कुछ खरीदना था मुझे सोचा था बट अभी तो खुली है नहीं, तो देखते हैं कब तक खुलती है। ये बहुत साल पुराने के हैं, उनको बहुत तरह से देख रहा हूँ मैं।